नमस्कार, मैं संगीता कुक विद संगीता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं सिर्फ मैदे से एकदम कुरकुरी और रसीली जलेबी बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। जलेबी के लिए हम सबसे पहले शुगर सिरप तैयार करेंगे, तो करीबन 300 ग्राम चीनी मैंने यहाँ पे लिया है। चीनी का आधा पानी हम इसमें डालेंगे। गैस पर मीडियम फ्लेम पर चढ़ाकर चीनी के घुल जाने और इसमें एक उबाल आने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसका हमें तार वाला चाशनी नहीं बनाना है, बस ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए इतना ही हम इसे पकाएंगे। 2 मिनट के बाद मैंने 1/4 चम्मच नींबू के रस में 2 से 3 पिंच येलो फूड कलर मिक्स करके डाला है। नींबू के रस से चाशनी गाढ़ा नहीं होगा, जमेगा नहीं, और फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। नींबू रस डालने के बाद हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे, फिर गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम जलेबियों के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में हम 150 ग्राम मैदा लेंगे। चीनी मैंने 300 ग्राम लिया था चाशनी के लिए, इसका आधा 150 ग्राम मैदा मैंने यहाँ पे लिया है। साथ ही हम इसमें 5 ग्राम के इनो का एक पैकेट इसमें डालेंगे, जो जलेबी के बैटर में इंस्टेंट खमीर उठाने का काम करेगा। अब हम मैदा और इनो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम स्मूथ जलेबी बैटर बनाएंगे। जलेबी का बैटर सेमी थिक होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गाढ़ा और ना ही पतला। एक ही डायरेक्शन में फेंटते हुए मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही बैटर चाहिए हमें। बैटर तैयार हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे फीज का एक खाली बोतल लिया है, इसके ढक्कन में मैंने एक छोटा सा छेद कर दिया है। आज मैं इसी से जलेबियाँ बनाऊंगी। आप चाहे तो किसी प्लास्टिक बैग जैसे फॉर्चून की थैली या दूध की थैली में भी बैटर को भरकर जलेबियाँ तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मैंने एक कीप की सहायता से इस बोतल में बैटर को भर लिया है। ढक्कन को लगाकर गरम हो रहे तेल में इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए जलेबी का शेप देंगे। इसे फ्राई करने के लिए तेल हल्का गर्म होना चाहिए। हो सकता है कि जलेबियों का शेप कुछ छोटा, बड़ा या टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन इसका टेस्ट एकदम परफेक्ट होगा, बिल्कुल हलवाइयों के जलेबी जैसा। मीडियम फ्लेम पर हम इसे उलट पुलट कर हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। कढ़ाई से निकालने के बाद हम इसे डायरेक्ट शुगर सिरप में डिप कर देंगे। सिर्फ 15 सेकेंड में जलेबियाँ शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर जाएगी। फिर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी सारी जलेबियों को छानकर निकालते जाएंगे और शुगर सिरप में डालते जाएंगे। 15 सेकेंड में हम इसे शुगर सिरप से बाहर भी निकाल लेंगे। एकदम कुरकुरी और रसीली जलेबी मिनटों में बनके तैयार हो गया है। मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितना जूसी है आप देख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी।